हेलो दोस्तों, मैं रमेश आप सभी को रमेश रंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस दिए गए बार कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। आज हम यहाँ घटना चक्र के पूर्वावलोकन का भारतीय इतिहास के ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित उन तमाम प्रश्नोत्तरों को लेकर के आए हैं जो हाल ही के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह आगामी संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो आपको अवश्य ही आगे आने वाले परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संघटक थी या थी? पहला, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तीसरा, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। अब निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। यहाँ कूट दिया गया है ऑप्शन ए में केवल एक, ऑप्शन बी में है केवल एक और दो, ऑप्शन सी में है केवल दो और तीन, और ऑप्शन डी में है एक दो और तीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक और दो, अर्थात लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि और भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली निधि। जहां तक बात भारत के बाहर युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि की है, तो यह इसमें सम्मिलित नहीं था। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्कों अर्थात होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव अर्थात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ऑप्शन बी, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए। ऑप्शन सी, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए। और ऑप्शन डी, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? ऑप्शन ए है भारी उद्योग में उद्योगों का अभाव। ऑप्शन बी है विदेशी पूंजी की कमी। ऑप्शन सी है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। या ऑप्शन डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका था। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस्त मरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन ए वेलेजली, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का शुभारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेंदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों का एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित किया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है सर जॉन सोर और ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेजली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया? ऑप्शन ए है जमींदारों से, ऑप्शन बी किसानों से, ऑप्शन सी मजदूरों से या ऑप्शन डी व्यापारियों से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जमींदारों से। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ऑप्शन ए जमींदारों के साथ, ऑप्शन बी ग्रामीण समुदायों के साथ, ऑप्शन सी मुकदमों के साथ या ऑप्शन डी किसानों के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड जॉन सोर ने, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या ऑप्शन डी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया? ऑप्शन ए 1787 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1789 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1790 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1793 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रकृति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? ऑप्शन ए रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ऑप्शन सी न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना या ऑप्शन डी उपर्युक्त ए बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त ए बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, जब तक कि वे लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते। लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चरागाह, परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। स्पष्ट है कि विकल्प डी सही होगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे, अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण था? ऑप्शन ए जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था,
ऑप्शन बी जमींदारों के को ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ऑप्शन सी यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, या ऑप्शन डी खेतिहरों के दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमींदारों के को ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। इसके तहत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी को अपने क्षेत्र में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11 हिस्सा अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीन भी वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था तथा इस कारण बहुत से मामले में पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। इसी के फलस्वरूप 1859 के रेंट अधिनियम पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में और बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र में किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, क्या कारण था वो बताना है। ऑप्शन ए है जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, ऑप्शन बी है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ऑप्शन सी है भू राजस्व का निर्णय करना, या ऑप्शन डी है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था के आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थाई बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, ठीक है, पहले ही रिक्त स्थान दिया हुआ है। में बंगाल और बिहार में भूमि पर किरायेदारों के अधिकारों को बंगाल किरायेदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए में है 1885, ऑप्शन बी में है 1886, ऑप्शन सी में है 1889 और ऑप्शन डी में है 1900। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किरायेदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों अर्थात जमींदारों और किरायेदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयत वाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था, ये थे, यहाँ पे पूछ रहा है रैयत वाड़ी, ठीक है। पहला दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है अलेक्जेंडर रीड और तीसरा है थॉमस मुनरो। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। कूट में दिया गया है ए में केवल एक, ऑप्शन बी में है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी में है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी में है 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 अर्थात अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ठीक है। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त द्वारा अंग्रेजों ने भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी, ठीक है। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। थॉमस मुनरो ने 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर
उसने इसे मद्रास में लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र, मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से, सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1836 ईस्वी के बाद विनगेट और गोल्डस्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। ऑप्शन ए बंगाल तथा मद्रास में, ऑप्शन बी मद्रास तथा पंजाब में, ऑप्शन सी मद्रास तथा बंगाल में, या ऑप्शन डी पंजाब तथा बंगाल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल तथा मद्रास में। अगला प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी महलवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। यहाँ पे ऑप्शन डी है। ठीक, आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ऑप्शन ए उत्तरी भारत में, ऑप्शन बी पूर्वी भारत में, ऑप्शन सी पश्चिमी भारत में, या ऑप्शन डी दक्षिण भारत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी, पश्चिमी और दक्षिणी दोनों में ही थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए टॉमस मुनरो ने, ऑप्शन बी मार्टिन बर्ड ने, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस ने, या ऑप्शन डी डलहौजी ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टॉमस मुनरो ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी बंबई प्रेसिडेंसी, या ऑप्शन डी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी बंबई प्रेसिडेंसी में, या ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी में। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा कथन है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तीसरा कथन है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। अब उपर्युक्त में से कौन सा ये से कथन सही है या है। ऑप्शन ए में है केवल एक, ऑप्शन बी में है केवल एक और दो, ऑप्शन सी में है एक दो और तीन, और ऑप्शन डी में है कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एक दो और तीन। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था।
इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन ए में है जमींदारी प्रथा, ऑप्शन बी में है रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन सी में है महालवाड़ी प्रथा, ऑप्शन डी में है दहसाला प्रथा, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रैयतवाड़ी प्रथा। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण आर में दिया है, इसे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है और कूट में दिया है ए में। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी में है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी में है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी में है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। ये व्यवस्थाएं थी अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी पद्धति। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था लगभग 51% हिस्सा, मद्रास और बंबई के कुछ हिस्से के साथ पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग जो आधुनिक कर्नाटक का भाग है में लागू थी। महलवाड़ी पद्धति लगभग 30% हिस्सा पर शामिल थी। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब का कुछ परिवर्तन के साथ में लागू किया गया था। अतः स्पष्ट है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। ठीक है, इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण आर कथन ए का सही व्याख्या करता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए 1850 में, ऑप्शन बी 1895 में, ऑप्शन सी 1900 में, या ऑप्शन डी 1905 में, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1900 में। ठीक है, आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1835 में, ऑप्शन बी है 1837 में, ऑप्शन सी है 1839 में, या ऑप्शन डी 1841 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1839 में। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। यह कंपनी 5,00,000 रुपये की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची एक में है, ए में जजमानी, बी में बाराबलूट, सी में मिरासी और डी में अडाडे। वहीं सूची दो में है, एक में उत्तर भारत, दो में कर्नाटक, तीन में महाराष्ट्र और चार में तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी, देखो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन ए का है जजमानी उत्तर भारत, बाराबलूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु और अडाडे कर्नाटक। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। सूची एक और सूची दो का सही सुमेलन है। सूची एक जजमानी उत्तर भारत, बाराबलूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु और अडाडे कर्नाटक। ये यूपी पीएससी द्वारा जारी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया गया, जो कि गलत है ना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 50% या ऑप्शन डी 55%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 40%। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। यद्यपि कि इस तरह के प्रश्न का उत्तर विवादित होता है, तथापि कई स्रोत ब्रिटिश भारत में औसतन सैन्य बल पर खर्च को केंद्रीय राजस्व का लगभग 40% मानते हैं, इसलिए इसका उत्तर 40% मान लिया गया है। इस प्रकार इसका उत्तर ए है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत अर्थात ड्रेन थियरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? ऑप्शन ए है देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। ऑप्शन बी में है भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ऑप्शन सी है साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। और ऑप्शन डी में है भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यूं देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। धन के बहिर्गमन या अपवाह ड्रेन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अपवाह सिद्धांत के इस तहत इसी प्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मींस ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक या ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभी कथन ए है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कथन आर है, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। कूट है ए में है, ऑप्शन ए में है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
ऑप्शन सी है ए सही है पर आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है पर आर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। बहिर्गमन अथवा निकासी के राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या प्रतिलाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश इत्यादि। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था, वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था। परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं, बल्कि भारतीय साधनों का अधिकाधिक शोषण था। 1813 ईस्वी के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। वर्ष 1914 से पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक उप परिधानों में लगाए गए, जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज तथा खनिज उद्योग, कोयला एवं सोना, एवं वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंक, बीमा एवं वित्तीय निगम में, जो अंग्रेजी उद्योग के अनुपूरक थे, और इनमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने धन निकास को अनिष्टों का अनिष्ट अर्थात एविल्स ऑफ ऑल एविल्स की संज्ञा दी, और इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। इस प्रकार स्पष्ट है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत में उपनिवेशवाद का यके आर्थिक आलोचक था यथे। पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है जी सुब्रमण्यम अय्यर, और तीसरा है आर सी दत्त। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है केवल एक, ऑप्शन बी में है केवल एक और दो, ऑप्शन सी में है केवल दो और तीन, और ऑप्शन डी में है एक, दो और तीन सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक, दो और तीन सभी, अर्थात दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर सी दत्त। ठीक है, ये तीनों ही होंगे। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। 1870 से 1905 ईस्वी के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इनमें तीन लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। वे हैं दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, और आईसीएस अधिकारी रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। इन तीनों के अतिरिक्त जीवी जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक थे, गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू की गहराई से विश्लेषण किया। ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है, उपनिवेशवाद ही है। ठीक है, इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत अर्थात ड्रेन थियोरी में विश्वास नहीं करता था। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है आर सी दत्त, ऑप्शन सी है एम जी रानाडे, या ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर सैयद खां। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे, और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1901 ईस्वी में,
ऑप्शन सी 1902 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1903 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1901 ईस्वी में। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। यह पुस्तक 1901 में लंदन के इस सोनेस्चेन प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए अमर्त्य कुमार सेन, ऑप्शन बी रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। दादा भाई नौरोजी जो 1825 से 1917 ईस्वी ने 1865 में डब्ल्यू सी बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। यहाँ ये बताना है कि किस दल पे चुनाव लड़ा था। ऑप्शन ए में है उदारवादी दल, ऑप्शन बी में है मजदूर दल, ऑप्शन सी में है कंजर्वेटिव दल या ऑप्शन डी साम्यवादी दल। इसके साथ ही ऑप्शन ई में दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उदारवादी दल। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत अर्थात इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, अनुद्योगिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? कथन पहला है, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। कथन दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। कूट दिया है ऑप्शन ए में केवल एक, ऑप्शन बी में केवल दो, ऑप्शन सी में एक तथा दो दोनों और ऑप्शन डी में न तो एक न ही दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों, अर्थात यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ की गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया था। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। भारत में अनौद्योगिकीकरण की प्रक्रिया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि पहला कथन है, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। कथन दूसरा है, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। कथन तीसरा है, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। अब उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? ए में है, ऑप्शन ए में है केवल एक, ऑप्शन बी में है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी में है केवल एक और तीन और ऑप्शन डी में है एक दो और तीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
एक, केवल एक, अर्थात उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जाई जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ऑप्शन ए बीजी तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। ठीक है, आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत कातने वाला को लंकाशायर में रहता है, तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है, लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य कातने वाले बुनकरों को जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे थे, किंतु अब इस देश में विदेशी सूती कपड़े की मानो बाढ़ आ गई है। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सर आर्थर कॉटन को, ऑप्शन बी कर्नल बेयर्ड स्मिथ को, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट ब्लेन को या ऑप्शन डी कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है औरंग और वहीं दूसरी ओर लिखा है राजकोष का प्रभारी, दूसरा है बेनियान, वहीं दूसरी ओर लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, तीसरा है मिरासीदार, वहीं दूसरी ओर लिखा है राज्य का नामित राजस्व दाता। अब उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे सही सुमेलित है? यह है ऑप्शन ए में है केवल एक और दो, ऑप्शन बी में है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी में है केवल तीन और ऑप्शन डी में है एक दो और तीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दो और तीन, अर्थात बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट और मिरासीदार राज्य का नामित राजस्वदाता। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। औरंग फारसी का शब्द है जिसका अर्थ गोदाम होता है। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था। ध्यातव्य है कि औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं यानी कि वर्कशॉप के लिए भी किया जाता है। बेनियान यानी बनिया पारंपरिक वणिक समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी एवं भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। मिरासी अरबी शब्द है जिसका अर्थ उत्तराधिकारी होता है। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्व दाता माना गया है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार इसका सही उत्तर है बी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। ऑप्शन ए भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, ऑप्शन बी भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन सी भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण या ऑप्शन डी नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उपान पर थी, अतः
इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए रास्ते माल की आवश्यकता थी, सस्ते माल की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान की नीति के कारण किसान को अब नकद राशि की आवश्यकता थी, इसलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके। जबकि इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिनकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। चाय, रबर, कॉफी, नील, रेशम, जूट और तंबाकू जैसे वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई, जो ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद थी। इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। ऑप्शन बी है, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। ऑप्शन सी है, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। या ऑप्शन डी, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। आइए इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस युग को भारत में अनौद्योगीकरण का काल कहते हैं। इसके लिए अग्रलिखित नीतियां उत्तरदायी थी। क्या थी? पहला, भारत पर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना। दूसरा, भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी अर्थात कर लगाना। तीसरा, भारतीय कंपनी द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात। चौथा, रेल मार्गों का विकास। पांचवा, विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं देना इत्यादि। इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग का विनाश कर दिया। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया, तथा जो देश सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह आपको वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए। उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्त लोगों तक भी यह शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।